हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे करें प्रेगनेंसी में, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो करवा चौथ कैसे इस बार करेंगी, जैसे जो भी इस बार प्रेग्नेंट है और ऐसे चल रही है या फिर डिलीवरी हो चुकी है, बेबी फीडिंग करती है बच्चों को, वो भी कैसे व्रत करेंगे, तो उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हर 2 घंटे में प्रेग्नेंट वुमन को कुछ ना कुछ खाना चाहिए, फ्रूट खाना जो भी होता है वो खाना चाहिए, और पानी तो पीते रहना होता है क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेट रखना होता है प्रेगनेंसी में मोस्टली। अगर पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बच्चे को फिर नुकसान, मतलब वो तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि छोटा बेबी पेट में होता है तो उसको पोषण चाहिए होता है हर चीज़ का। और करवा चौथ तो ऐसा है ना कि उसमें निर्जला व्रत किया जाता है, पानी नहीं पिया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, तो उसमें डॉक्टर्स तो मना ही करते कि करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए बिकॉज आप प्रेग्नेंट है। अगर फिर भी आपका ऐसा है कि आपको करवा चौथ का व्रत करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो आप वैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट है और करवा चौथ करना चाहते हैं, तो पहला यही है कि आप जब सर्गी सुबह सुबह खाते हैं तो उसमें आप कुछ अच्छी हैवी चीज़ खाएं, लाइक सर्गी में बहुत सारा ड्राई फ्रूट, और बहुत अच्छे से आप खाना खा लें प्रॉपर, ताकि आपको दिन भर एनर्जी रहे और आपको ऐसा ज़्यादा फील ना हो। बट आप सर्गी प्रॉपर खाने के बाद भी दूसरी कंडीशन ये है कि आपको पानी पीते रहना होगा या फिर आपको जूस पीते रहना होगा, बिकॉज बॉडी को डिहाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद में मैं बात करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे निर्जला व्रत करते हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, सबका अपना अपना होता है। जैसे मैंने शुरू से किया है, मैं बिना पानी के करती हूँ, मैं निर्जला व्रत ही करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, तो मेरा ऐसा होता है। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी थी और जब बच्चा हो गया था, जब मैं फीड कर रही तब भी मैंने प्रेगनेंसी में, फिर उस दिन मैंने फ्रूट्स खाए और पानी पिया था। हाँ, मैंने अन्न नहीं खाया था। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं, आप अन्न नहीं खा सकते लेकिन आप फ्रूट्स खाए, जूस पिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स सब लोग एग्री करते हैं कि हाँ आपको नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप पति की लंबी उम्र के लिए आप दुआ करते हैं, व्रत करते हैं, और एक आपके पास बेबी भी है तो उसका भी ख्याल आपको ही रखना है। तो ये समझदारी वाली बात होती है कि बच्चे और पति का, दोनों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में मैं ये कहूँगी कि करवा चौथ है तो इस दिन जो निर्जला व्रत करती है या जो कोई भी हो, खास करके जो प्रेग्नेंट वुमन है, उनको तो बहुत बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। जैसे घर का काम होता है, बहुत कुछ करना होता है करवा चौथ के दिन, तो ज़्यादा ना करे, रेस्ट करे और धीरे धीरे से कुछ करे, हल्का फुल्का जितना हो पाता है, लेकिन अपनी बॉडी को प्रेशर ना दे। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप ध्यान में रखकर आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ये कोई रूल नहीं है कि करवा चौथ के दिन आपको कुछ नहीं खाना है, आपको अपने बच्चे और अपने पति का दोनों का ख्याल रखना और अपना खुद का ख्याल रखना। अगर आप सही रहोगे तो करवा चौथ और भी आएंगे और भी सारे ऑक्सीजन्स आएंगे, वो सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये मैंने जो चीज़ें बताई है, बातें बताई है करवा चौथ के लिए, तो आप इनका ज़रूर ध्यान रखिए और करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। इस बार करवा चौथ 4 नवंबर को सुबह 6:35 से स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 4 निकलने तक करवा चौथ रहता है, और पूजा का समय और ये सब चीज़ें जो है शाम के टाइम ही रहती है। ये बाकी सारी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस अच्छे से करवा चौथ करिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।